a lot of excitement here as the cultural troops, the audience present here, all now waiting for the next part of the ceremony. And this is only the beginning. There are huge plans for the complete development of this area. The unveiling of Sardar Vallabhbhai Patel statue, only a beginning. Finally, Pradhan Mantri Ekta ki Pratima ki or badhte hue unke saath anya ganyamanya vyakti Karnataka ke Rajyapal Shri Vajubhai Wala, Madhya Pradesh ki Rajyapal Shrimati Anandiben Patel, Gujarat ke Mukhyamantri, Gujarat ke Up Mukhyamantri aur Bharatiya Janata Party ke Adhyaksh Shri Amit Shah. Prime Minister Sri Narendra Modi arriving for the Abhishek Puja as a part of the unveiling ceremony of the tallest statue in the world, that of Sardar Vallabhbhai Patel. Statue of Unity, विश्व में एकता और अखंडता का संदेश देने के साथ साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र की भी अनुभूति कराते हुए. एक भारत का सपना सरदार वल्लभभाई पटेल ने देखा था और उसे मजबूत कर रहे हैं. श्रेष्ठ भारत बनाने की कल्पना साकार कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी. साधु बेट पर, इस परिसर पर यहां आज बहुत से लोग एकत्रित हैं. अलग अलग राज्यों से वो आए हैं, लेकिन राष्ट्र एक है. भाषा अनेक है, लेकिन भाव एक है. बोली अलग अलग है, स्वर एक है. रंग अलग है, तिरंगा एक है. चेहरे अलग अलग, मुस्कान एक. कार्य अनेक, संकल्प एक. संकल्प समृद्ध स्वस्थ भारत का. Silhouetted against the clear blue sky of a lovely October morning here, as we'd shared with you earlier,
There is a three-level base of the statue. And the Prime Minister taking the escalator, going up for the Abhishek Puja. Owing to the location and the height of the statue, many precautions were taken to make it absolutely safe. Satyate pavitra pati pavitra putasya jatkama pune sakshake amma gananam dva ganapati gumbhavamahe priyanam dva priyapati gumbhavamahe nirinam dva niripati gumbhavamahe vaso mama avajani garvadama vamajasi garvadamma gangasindhu saraswati jayamana gohavari narmada kaveri dareo mahendra dareo karmam prati vedika क्षिप्रा मेत्रवती महासुरनदी ख्याता जिया खंडिकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सहिताम कुर्यात् सदा मंगलम् ओम विष्णवे नमः विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महाप्रसुत विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोत्ति प्रादेशिक द्वारा कल्पे जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशे अश्विन मासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां तिथौ बुधवासरे पुष्य नक्षत्रे परम श्रीध्यायानाम भारतवर्षस्य प्रधानमंत्रीणाम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी महानुभावानाम कर कमल हस्ते श्री लोह पुरुष महापुरुष श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जन्म जयंती निमित्तार्थम सकल जगत सर्वोच्च भव्य प्रतिमा एकता एवं अखंडता प्रतिष्ठातम राजदारे लोकदारे तथा समस्त भारतवर्षस्य यशो कीर्ति प्राप्ति अर्थम राष्ट्रार्पणं करिष्ये ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिरेव शान्तिः श्यामा कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समार्षता मूलरुद्र शिरो ब्रह्मा मध्ये मात्रो गणाक्षिरा ओम करोति कल्याणम आरोग्यो धन संप्रदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते दीपज्योति परिब्रह्मा दीपज्योति परायण चंद्रमा मनसो जाचक्षो सूर्यो अजायतो श्रोता द्वायुष प्राणश मुखा अग्निरजायत जगन्मयजन्तदेवास्थानि धर्माणि बदवान्य सन्नः देहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे स्वाद्याः शान्ति देवाः तटपुण्यतीर्था प्रक्षालित सकल लोक दुर्विभोग्या देव भूमि मनज वंद्या हरतु सदा नर्मदा दुरितां यन्मूलेषु महेश्वरी विजयते श्री सिद्धनाथस्तदा कावेरी परिवेशितो गतिलो ओंकारोपदेशामृता मध्ये नेति च शूलपाणि सहिता पश्चात भागे स्थिता सर्वेता भजतामभीष्ट फलदा वरवर्ती सा नम्र गंगा च क्षिप्रा यमुना सरस्वती गोदावरी वैत्रवती च नर्मदा सा चंद्रभागा वरुणा त्वसी नदी कुर्वन्तु नापूर्ण मनो सदा
great excitement here. The flags now being fluttering in the early morning breeze and balloons going up in the air in the colors of the national flag. यहाँ पृथ्वी पर मंत्रोच्चार और ऊपर आसमान से पुष्पों की वर्षा, एकता की प्रतिमा, एकता और अखंडता का संदेश देती हुई सरदार पटेल के योगदान को देश स्मरण भी कर रहा है और उन्हें नमन भी कर रहा है. माननीय प्रधानमंत्री, अभी उन्होंने अभिषेक किया. So unity is a collective aspiration, and as the colors of the national flag symbolizing unity and diversity, no more a cliche in this country, the aspiration for unity rising higher. Prime Minister Narendra Modi at the base of the statue. विविधता में एकता भारत की विशेषता है और आसमान में तिरंगे रंग के गुब्बारे एकता का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं. केसरिया रंग पराक्रम का प्रतीक, सफेद शांति का प्रतीक और हरा रंग समृद्धि हरियाली का प्रतीक. ये एकता का स्मारक है, सरदार पटेल की प्रतिमा जो आज उनकी जन्म जयंती पर राष्ट्र को समर्पित हुई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा. और अब पूजा अभिषेक के बाद माननीय प्रधानमंत्री इस स्टैचू के बेस में बने म्यूजियम में जाएंगे. गौरतलब है कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, 182 मीटर की यह प्रतिमा 58 मीटर के बेस लेवल पर बनाई गई है. इससे पहले चाइना की स्प्रिंग टेंपल बुद्धा की मूर्ति विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी 153 मीटर की. So ensconced in the plinth of the statue is a sprawling museum which is dedicated to the life of Sardar Vallabhbhai Patel and the many splendors of his home state. Prime Minister Narendra Modi will now go to the museum and visit the exhibition there. The exhibition which has bits of history, Sardar Patel's contribution, the life of Sardar Patel, and other interesting details. Sardar Patel ek tejasvi vidyarthi the. Gujarat ka Nadiad shahar Sardar Vallabhbhai Patel ka janm sthan hai. Unhone apni prarambhik shiksha gaon se puri ki. Angrezi ke adhyayan ke liye unhone us samay ke Vadodara rajya ki पेटलाद की स्कूल में प्रवेश लिया. अध्ययन के साथ साथ वे सार्वजनिक जीवन में भी रुचि लेते थे. सरदार पटेल एक सफल बैरिस्टर थे. तीक्ष्ण बुद्धि, सामने वाले व्यक्ति को पहचान लेने की गजब की समझ और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान देने की कला, ये सभी विशेषताएं उन्हें एक श्रेष्ठ वकील बनाती थी. सरदार पटेल ने गोधरा, बोरसद, आनंद और अहमदाबाद में वकालत की. वकालत के दौरान उनकी निडरता, बौद्धिक कुशलता और समय सूचकता अद्भुत थी. और जब सरदार पटेल की गांधी जी से मुलाकात हुई तो मानो उनके जीवन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया. गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की लड़ाई लड़कर 1915 में भारत वापस आए थे. उस समय सरदार पटेल अहमदाबाद में वकालत करते थे. सरदार पटेल गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए
इसके बाद गांधी जी और सरदार पटेल की मुलाकात हुई। खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी और सरदार पटेल को एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानने का मौका मिला। सरदार साहब म्युनिसिपैलिटी के एक कुशल प्रबंधक भी रहे। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी में 1917 से 1928 तक उनके कुशल प्रबंधन के बहुत से उदाहरण हैं। और सरदार साहब की जो पूरी यात्रा है, किसान पुत्र से लेकर लौह पुरुष तक की यात्रा, एक सफल बैरिस्टर से एक सफल नेता की यात्रा, ये उस म्यूजियम में दर्शाई गई है जहां अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर रहे हैं। सरदार पटेल के जीवन को समझना हर भारतीय के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि किस प्रकार अपने पूरे जीवन को खपा देना, उसको होम कर देना राष्ट्र निर्माण के लिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान व्यक्ति से सीखा जा सकता है। और उन्हीं के जीवन के बारे में यहाँ जो म्यूजियम, जो संग्रहालय बन रहा है, उनसे जुड़ी तमाम जानकारी, पत्र और इस तरह की चीजें यहाँ रखी गई हैं। एक घटना है जिसको सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसे कर्मशील कर्मवीर थे वो। माननीय प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रवेश कर रहे हैं। वो घटना उनके वकालत के दिनों की है। वो वकालत कर रहे थे, उनको टेलीग्राम आया कि उनकी पत्नी बीमार थी, उनका निधन हो गया है। उन्होंने टेलीग्राम पढ़ा और जेब में रख लिया और उसके बाद अपने मुकदमे की पैरवी करने लगे। जीवन पर्यंत उन्होंने यही किया। उनका स्वास्थ्य जब ठीक नहीं रहता था तब भी उन्होंने देश के हित को, देश को एकता के सूत्र में बांधने, उसे पिरोने में अपना जीवन इस देश के लिए दे दिया। Courage takes different forms and sometimes the strongest form of courage is the quiet courage. Just to give you an idea of the exhibition hall here or the museum, it's around 4,747 square meters and around 25 meters in height. And it is beautifully positioned in terms of the circulation area. Every exhibit is given prominence, and Sardar Patel's journey right from his early life and the initial years. You see the trajectory of his life as a young person who goes from being a small town Gujarati boy to a successful London educated lawyer. He talks about his family, his initial career, and of course, knowing Sardar Patel's nature, he was a reputed and a formidable criminal lawyer, and then his foray into public life by entering the Ahmedabad municipality. And of course, there is also a section which talks about a major event in his life, which is Gandhiji entering into Sardar Vallabhbhai Patel's life and changing it forever. And right upon entering the museum, what you're seeing, visitors normally see, are they greeted with this absolutely impressive exhibit, 1:5 scale model of the statue. And this is the 18-foot bronze replica of the statue. Interesting photo opportunity too, as will all the visitors have after they come in once the museum is open for the public. स्टैचू ऑफ यूनिटी स्मारक के बेसमेंट में सरदार पटेल के जीवन और कार्य से जुड़ा ये संग्रहालय, जहां पर हजारों दस्तावेज, सरदार साहब की दुर्लभ तस्वीरें विजिटर्स को देखने को मिल सकती हैं। आखिर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण में
कितना सामान, कितनी मेहनत लगी, कैसे टीम ने कार्य किया, 42 महीनों के समयबद्ध तरीके से इसे पूरा किया, इसके डिजाइन में किस तरह की बातों का ध्यान रखा गया, कैसे एक एक भाव को पिरोया गया, विजिटर्स इस म्यूजियम में आकर जान सकते हैं। History as a subject tends to get captured in the pages of a book, but that's not where it belongs. History is as much a part of our present as it's likely to be of the future. And museums are a brilliant way to actually bring alive history and make it real and contextual. On either side of the entrance, the moment you enter, there are panels that inform the visitors about different areas within the museum. And of course, there is a small audiovisual center where films relevant to the content in the museum will be screened. The Prime Minister, experiencing every part of the museum with deep personal interest. Honorable Prime Minister Narendra Modi, उनके बाएं हाथ पर गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और उनके बाएं हाथ पर गुजरात के माननीय उप प्रधानमंत्री, सभी इस संग्रहालय में प्रदर्शित तस्वीरों का जायजा लेते हुए गुजरात के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी, ये गुजरात के लिए भी बहुत बड़े गौरव का क्षण है आज जब सरदार साहब की प्रतिमा का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। So after viewing a short film, which is the Man of Action film in the Man of Action theater, it's a short orientation film, The Iron Man of India, the Prime Minister now going into the greater details and aspects of Sardar Patel's life as exhibited here, the trajectory of his life being traced. The next section also covers a part where after Gandhiji came into Sardar Patel's life, the struggle with the British, it chronicles the four memorable Satyagraha movements Vallabhbhai Patel was personally involved in, including those at Kheda, Borsad and Bardoli. Sardar Patel ka Swatantrata Sangram mein padarpan March 1918 se Kheda Satyagraha se hua tha. 1920 में असहयोग आंदोलन, 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह व बोरसाद सत्याग्रह, 1928 में बारदोली सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का चर्चित भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में आपने सक्रिय भूमिका निभाई। और स्मारक के बेसमेंट में तो ये विशाल म्यूजियम है ही, नर्मदा नदी के स्तर से 153 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यूअर्स गैलरी भी बनाई गई है, जिसे सरदार साहब की इस प्रतिमा का दिल कहा जाता है। म्यूजियम से ही एक लिफ्ट के माध्यम से एक साथ 200 लोग
इस ऑब्जर्वेशन डेस्क पे जा सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में उस व्यूअर्स गैलरी से ये नजारा देखेंगे जहां सरदार साहब की प्रतिमा के ठीक सामने सरदार सरोवर बांध दिख सकता है। ये बांध भी तो सरदार साहब के नाम पर ही है। नर्मदा नदी पर स्थित इस बांध के बनने से इस इलाके के लोगों में, खास तौर में किसानों में, खुशहाली आई है। With the construction of this landmark statue, the whole project area will witness a range of activities. And of course, to cater to all the additional people, expecting nearly 3,000 visitors a day at peak capacity, parking, transport site, hotel, convention center, a garden, monumental garden, memorial site, visitors plaza, schools, colleges, virtually like a mini city. That's the plan. Prime Minister Narendra Modi, still going through the museum. And now we'll move up to the visitors gallery. Pradhan Mantri Narendra Modi ji, 153 meters ki uchai par bani viewers gallery se drishya dekhte hue. आशंकाएं कई बार संभव से कार्यों को पूरा नहीं होने देती और दूसरी ओर दृढ़ विश्वास, निष्ठा और लक्ष्य को पाने की इच्छा शक्ति आशंकाओं के पर्वतों को धूल समान बना देते हैं। कौन सा बड़ा कार्य आसानी से होता है, लेकिन बड़े बड़े कार्य करने वालों की विशेषता ही ये होती है कि वो इन कार्यों को संपन्न करके इतिहास रच देते हैं। तकदीर बदलने के लिए जरूरी होता है कि तस्वीर बदली जाए। अब तस्वीर भी बदल रही है और तकदीरें भी बदल रही हैं। प्रधानमंत्री व्यूअर्स गैलरी में हैं। सफलता के इन्हीं शिखरों से भारत का भविष्य दिखता है और भविष्य का भारत दिखता है। Give you another interesting fact. Two lifts of in the two cores take people up to this viewing gallery at 4 meters per second, which is really very fast. Panoramic view, which the visitors will also be able to see, but we are showing it to you from our specially positioned cameras here. Dappled sunlight coming into the gallery, and it's a beautiful 360 degree view if you go to both ends of the visitors gallery. The beautiful Satpura and Vindhyachal ranges, the 256 kilometer long Sardar Sarovar reservoir and the 12 kilometers long Garudeshwar reservoir.
to ensure cross ventilation, the gallery has viewing areas at both sides. And now descending from the viewers gallery, from where he saw this view, the Prime Minister descends 135 meters. To the base elevation. So as you can see, what a huge endeavor and the effort of thousands of people into this beautiful creation. महान राष्ट्रभक्त अखंड भारत के शिल्पी देश के स्वतंत्रता संग्राम और देश की एकता और अखंडता में अमूल्य योगदान देने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी ये प्रतिमा जो अब विश्व में सबसे ऊंची है एकता और अखंडता का संदेश देती हुई और यहां व्यूअर्स गैलरी के बाद माननीय प्रधानमंत्री का भूतल पर आगमन गत वर्षों में सरदार पटेल जयंती पर ही नई दिल्ली स्थित नेशनल साइंस सेंटर में सरदार पटेल के जीवन और कार्यों पर एक डिजिटल प्रदर्शनी यूनाइटिंग इंडिया का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और वो अवसर बना सभी के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरदार साहब के जीवन को आसानी से समझने का ये म्यूजियम भी सरदार साहब के जीवन और कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भारत के एकीकरण में जो 550 से ज्यादा राजे रजवाड़े थे उनकी कहानी भी एक म्यूजियम के माध्यम से लोगों तक पहुंचे और अब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बेस में बने इस संग्रहालय का भ्रमण करने के बाद व्यूअर्स गैलरी जाने के बाद विजिटर्स बुक में अपने विचार व्यक्त करते माननीय प्रधानमंत्री जी मन के भाव शब्द बनकर प्रकट होते हुए Hey.
श्रद्धांजलि शब्दों से, श्रद्धांजलि मन से भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को. Penning his thoughts of reverence and gratitude in the visitor's book here. The first entry, Prime Minister Narendra Modi as a part of the ceremonial unveiling of the tallest statue in the world, that of the great Indian leader Sardar Vallabh Bhai Patel. स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, साथ ही पहले गृह मंत्री, और इसके साथ साथ आजाद भारत के पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे. आज जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी का अनावरण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हुआ है, अब आम जन भी स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए जरूर आकर्षित होगी, और पूरे भ्रमण के बाद यहाँ पर एक सुविनर शॉप भी है जहाँ से आप इस यात्रा की ऐतिहासिक मधुर यादें अपने साथ वापस ले जा सकते हैं. एकीकरण की चुनौती को हल करने के जो तरीके थे उसमें सरदार साहब अपने समय से काफी आगे थे. उन्होंने कभी ये नहीं माना कि वह अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं. उनके राज्य मंत्रालय में उनके साथ एक सक्षम टीम भी थी. मंत्रालय के सचिव वीपी मेनन का कहना है, जब भी हम कोई चर्चा करते थे तो हम मित्रों की तरह बातचीत करते थे, मंत्री और सचिव की तरह नहीं. एकता ही इनके जीवन का ध्येय बन गई. सरदार पटेल, एन आइकॉनिक फिगर हु वाज डिटरमिन्ड टू यूनाइट द प्रिंसली स्टेट्स एंड क्रिएटेड दिस प्राउड डेमोक्रेसी वी कॉल इंडिया टुडे, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एन इटर्नल एम्बॉडीमेंट ऑफ द लाइफ ड्रीम्स एंड अकम्प्लिशमेंट्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड द शियर ग्रैंडियर ऑफ द प्रोपोर्शंस ऑफ द स्टैच्यू positioned so strategically, inspiring us to understand and live the true meaning of patriotism today. और प्रतिमा के ठीक सामने मन मोहने वाली फूलों की घाटी भी है जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे फूल सभी को आकर्षित करते हैं.